दोस्तों आज की ये स्पेशल वीडियो उन सभी टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं। और अगर आप भी ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं विद दी हेल्प ऑफ पेन टेबलेट या फिर डिजिटल पेन टेबलेट, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाकॉम टेबलेट के बारे में और इससे जुड़ी हर जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसका डिजिटल पेन कैसे काम करता है और लैपटॉप से इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ में इसका डेमो भी दूंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस क्या है और इसके साथ कौन सा गिफ्ट आपको मिलता है। तो दोस्तों इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें सो देट कि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो दोस्तों ये है वाकॉम का पेन टेबलेट, आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके साथ कौन कौन सी चीजें आपको मिल जाती हैं। इसके साथ आपको मिल जाएगी एक कनेक्टिंग केबल जिसकी मदद से आप इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस केबल में आपको मिल जाएगा 3-पिन प्लग। इस 3-पिन प्लग को आप मेन सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हो। इस केबल की दूसरी तरफ आपको 3 और नई केबल दिख जाएंगी। पहले वाली केबल एक यूएसबी केबल है जो लैपटॉप में कनेक्ट होगी और दूसरी केबल एक एचडीएमआई केबल है, इसको भी हम लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे, और तीसरी वायर होगी जिसको आप डिजिटल टैबलेट के साथ कनेक्ट करोगे। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस टैबलेट के साथ आपको मिल जाता है एक प्रोटेक्टिव कवर। इस कवर को आप इस टैबलेट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी ये टैबलेट आपके यूज में ना हो तो आप इसको ऊपर लगाकर छोड़ सकते हैं सो देट कि इसमें कोई भी स्क्रैच ना आए और इसको धूल मिट्टी से बचाया जा सके। और आपको मिल जाता है एक एनवलप जिसमें टैबलेट को सेफली अंदर डालकर आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इस टैबलेट के साथ आपको मिल जाती है डिजिटल पेन की 5 निब्स। अगर आपके डिजिटल पेन के निब टूट जाती है तो आप इनमें से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल पेन की। इस पेन का वेट है 7 ग्राम अप्रोक्सीमेट, विच इज वेरी वेरी लाइट। इस पेन में आगे की तरफ होती है इसकी निब जिससे आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ऊपर की तरफ होता है एक छोटा सा होल जिसके थ्रू आप इस पेन को आसानी से टैबलेट के साथ अटैच करके रख सकते हैं। इस टैबलेट में आपको पेन होल्डर मिल जाएगा। इस टैबलेट में आपको 2 होल्डर मिल जाते हैं, पहला स्टैंड जिसमें आप पेन को इजीली खड़ा कर सकते हैं और दूसरा स्टैंड जिसमें आप पेन को इजीली लेटा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपके पास एक एक्सटेंशन जरूर होना चाहिए जिससे आप आसानी से इन सभी वायर्स को एक ही जगह पर कनेक्ट कर सकें। अब बात करते हैं डिजिटल टैबलेट के फ्रंट और बैक पैनल की। बात करें फ्रंट की तो यहाँ पर आपको पेन होल्डर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 पेन होल्डर मिल जाएंगे। और ये वो स्क्रीन है जहाँ पर आप लिख सकते हैं, आसानी से पेन की मदद से टीचिंग कर सकते हैं। बात करें बैक पैनल की तो यहाँ पर आपको 2 स्टैंड मिल जाते हैं जिससे कि आप इसको आसानी से रख सकते हैं और लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको पावर कॉर्ड कनेक्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेशल कवर दिया गया है जिससे कि धूल मिट्टी अंदर ना जाए। इस कवर को आप ओपन कर ले, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी केबल को कनेक्ट करना है और साथ में 3 ऑपरेटिंग स्विच दिए हुए हैं। इसमें से पहला वाला आपका पावर स्विच है जिसे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, और बाकी 2 स्विच अदर फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका डिजाइन है। इसके बैक साइड में आपको मिल जाएंगे 4 कुशन, आप देख सकते हैं 2 नीचे हैं और 2 ऊपर हैं। इनकी मदद से आप इसको आसानी से कहीं भी किसी भी जगह आसानी से रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और कैसे आप इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे। सबसे पहले आपको इसका केबल लेना है जो इसके साथ आता है। सबसे पहले आपको HDMI केबल और USB केबल कनेक्ट करनी है लैपटॉप के साथ। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में आपको HDMI केबल और USB केबल पोर्ट मिल जाएगा, तो वहां पर आप इसको कनेक्ट कर दें। इसके बाद 3-पिन प्लग को आप एक्सटेंशन के साथ कनेक्ट कर दें। इसके बाद जो केबल आपको टैबलेट में कनेक्ट करनी है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इस सेफ्टी कवर को आप ओपन कर लें और यहाँ पर आपको कनेक्ट करने के लिए पोर्ट मिल जाएगा। इस केबल को ओपन करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको आप जोर से ना खींचें,
बल्कि आपको दोनों तरफ प्रेस करना है जिससे कि ये इजीली ओपन हो जाएगा। तो चलिए फाइनली हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद आपको माउस को कनेक्ट करना है लैपटॉप के साथ। ध्यान रहे कि जो लैपटॉप की सप्लाई है वो आपकी कंटिन्यू रहे, सो दैट कि बीच में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो फाइनली शेयर हो चुकी है इस टैबलेट के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए द एकेडमी प्लस फैमिली के साथ। दोस्तों जैसे ही आपकी स्क्रीन शेयर हो जाती है उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द एकेडमी प्लस। आप यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी इक्वेशन हो, एनीथिंग, आप जो चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिससे कि मैं यहाँ पर पेन की मदद से लिख सकूं, कौन सा वर्चुअल बोर्ड इस्तेमाल किया है जिस पर आप लिख सको, और सबसे बड़ी बात कि इसका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है जिससे कि आप इसके डिजिटल पेन की सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं, अगर आपको ये सभी बातें जाननी हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस डिजिटल पेन टैबलेट को खरीदना चाहते हो तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्राइस कितना है। जब मैंने इसको खरीदा था तो तब इसका प्राइस था 40,000, लेकिन अभी आपको मिल जाएगा ये 39,099 रुपीज में। और अगर आप इसको नीचे दिए गए लिंक से अगर बाय करते हैं तो आपको 3,000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।